नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड के जो इंडिया वो आती है उसको जो अभी फेसलिफ्ट मिलता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्ड एंडेवर के फेसलिफ्ट के जो ट्विक्स किए हुए क्या क्या चेंजेस है उसमें, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा जो चेंज उसमें किया हुआ है वो है उसके जो पुश स्टार्ट बटन रहता है, पुश स्टार्ट कीलेस वाला, वो सबसे बड़ी कमी थी जो फोर्ड ने एंडेवर में पूरी कर दी है, वो चीज़ आ गई है। उसका एलॉय उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, उसका बम्पर में थोड़े माइनर ट्विक्स दे दिए हैं, और उसका जो फ्रंट ग्रिल आती है उसको थोड़ा सा पतला कर दिया है। पहले वाले डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती थी लेकिन कोई बात नहीं। अब उसमें एक बढ़िया फीचर और दिया हुआ है, वो है हैंड्स फ्री बूट ओपनर का। इसमें क्या होता है, जब आपको बूट में कोई सामान रखना पड़ता है, आपके हाथ में सामान है और आपका हैंड्स फ्री नहीं है, मतलब कि हाथ में सामान है, तो आप जो बूट के नीचे पैर घुमाकर उसको ओपन कर सकते हो, अपना ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ उसमें दी हुई है। अब बात करते हैं जो इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग पहले से बहुत कम कर दी गई है, थोड़ी सी बहुत कम कर दी गई है एंडेवर में, तो ये बहुत ही बड़ा काम किया है फोर्ड ने। अब बात करते हैं क्या ये आपको प्रीफर करनी चाहिए फॉर्चुनर के ऊपर, तो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्चुनर के लुक्स की। फॉर्चुनर के लुक्स जो पुरानी वाली थी उसके ज़्यादा जो मस्कुलर लगते थे, लेकिन कई लोगों को नए वाले के लुक्स पसंद आते हैं। लुक्स हमेशा पर्सनल मैटर रहा हुआ है तो उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। मुझे मेरा ओपिनियन है कि मुझे एंडेवर के लुक्स जो है ज़्यादा मस्कुलर लगते हैं फॉर्चुनर से। तो अगली चीज़ है फीचर्स के बारे में। फीचर्स के बारे में अगर बात करें हम, फीचर्स ज़्यादा रिच आपको एंडेवर मिलते साफ है, बस वो पुश स्टार्ट की कमी थी वो फोर्ड ने पूरी कर दी है। अगली बात करें तो पावर की, पावर जो 3.2 लीटर इंजन आता है एंडेवर में, वो उसके सामने फॉर्चुनर कुछ भी नहीं है। फॉर्चुनर का जो 2.8 लीटर है और एंडेवर का 3.2 लीटर है, एंडेवर के सामने फॉर्चुनर कुछ भी नहीं है उस इंजन में। तो अगली बात करें कंफर्ट की, कंफर्ट में एंडेवर के जो सस्पेंशन है वो बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है फॉर्चुनर से। फॉर्चुनर के सस्पेंशन जो वो थोड़े से बहुत हार्ड दिए हुए हैं उसका बॉडी रोल कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एंडेवर में जो सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है, तो कंफर्ट लाइन में भी एंडेवर जो है फॉर्चुनर को बीट कर देती है। अगली चीज़ है माइलेज। तो माइलेज में जो फॉर्चुनर है वो बाजी मार लेती, फॉर्चुनर का माइलेज ज़्यादा है एंडेवर से, एंडेवर का माइलेज थोड़ा कम है क्योंकि उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। अगली चीज़ है रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू में भी टोयोटा की फॉर्चुनर बाजी मार लेती है, जितनी रीसेल वैल्यू फॉर्चुनर की है उतनी एंडेवर की नहीं है, एंडेवर की बहुत कम है फॉर्चुनर से। अगली चीज़ है सर्विस एंड रिलायबिलिटी। टोयोटा ने 50 साल में प्रूव कर दिया कि उससे ज़्यादा रिलायबल और बेहतर सर्विस की गाड़ियाँ कोई नहीं दे सकता है, तो फॉर्चुनर टोयोटा इसमें भी वापस बाजी मार लेती है। तो ओवरऑल ओपिनियन पर आते हैं, लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको सिटी में ज़्यादा ड्राइविंग करनी है, यानी कि आप 30-40% सिटी में ड्राइविंग करते हैं, सिटी में ड्राइविंग करने के लिए इतनी बड़ी गाड़ी कोई नहीं लेता है, आप 30-40% सिटी में ड्राइविंग करते हैं, तो अब आपको एंडेवर का 2.2 लीटर डीजल इंजन खरीदना चाहिए सिटी ड्राइविंग के लिए। और अगर आप ऑफ रोड पर ज़्यादा जाते हैं या फिर हाईवेज पर ज़्यादा चलते हैं और सिटी ड्राइविंग बहुत कम करते हैं, तो आपको एंडेवर का 3.2 लीटर खरीदना चाहिए। और अगर आपको रीसेल वैल्यू वगैरह चाहिए तो यू कैन गो फॉर फॉर्चुनर, उससे बड़े रीसेल वैल्यू तो आपको एंडेवर नहीं दे सकती। तो ये था मेरा ओपिनियन, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।